आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। बारिश से पहले ही कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रिय होने लगा है। दिनों दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन की चिंता भी बढ़ने लगी है। इस बीच जिले में 24 घंटे के भीतर 43 नए संक्रमित मिले, इनमें सबसे अधिक सिटी में मिले हैं। यदि संक्रमितों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रतिबंध लगने की आहट लगने लगी है। पिछले सप्ताह से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। दरअसल छुट्टियों में लोगों का एक से दूसरे शहरों में आना जाना रहा, इससे संक्रमण ने भी जोर पकड़ा है। मास्क से मुक्ति मिलने की वजह से लोगों ने नियमों को भी ताक पर रखा, लेकिन अब स्थिति एक बार फिर बिगड़ने जैसी लग रही है। हालांकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, जबकि उससे पहले ही संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जिले में भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटे में 2326 लोगों की जांच की गई, इनमें 43 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें सिटी में 29 और ग्रामीण में 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीईटी ली जाती है। अब तक सीईटी में मिले अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची बनाई जाती है। सीईटी में जिसका ज़्यादा स्कोर होता है वह मेरिट सूची में टॉप पर होता था, लेकिन अगले सत्र से व्यवस्था में बदलाव होगा। मेरिट सूची सीईटी और 12वीं के 50-50 फीसदी अंकों के आधार पर बनेगी। इसका सीधा मतलब है कि 12वीं की परीक्षा को वेटेज मिलेगा, इससे क्लासरूम से गायब होने वाली छात्रों की भीड़ लौटेगी, साथ ही शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। वर्तमान में 10वीं के बाद जूनियर कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति कम होने लगी है। साइंस के अधिकांश छात्र कोचिंग ट्यूशन के भरोसे ही रहते हैं। उन्हें मालूम है कि सीईटी, जेईई, नीट के आधार पर ही इंजीनियरिंग, मेडिकल में प्रवेश मिलता है। केवल नागपुर ही नहीं बल्कि अब समूचे राज्य में इसी तरह का ट्रेंड बन गया है। जूनियर कॉलेजों से पहले कोचिंग ट्यूशन में क्लासेस शुरू हो जाती है, जबकि सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जाता है, लेकिन जब छात्र ही नहीं होते तो फिर शिक्षक भी क्या करे, यह स्थिति बन गई है। सेंट्रल रेलवे RRB परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नागपुर और मड़गांव के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगी। स्पेशल गाड़ी नंबर 01063 दिनांक 12 जून को नागपुर से शाम को 6:45 प्रस्थान करेगी और 14 जून को रात के 1 बजे मड़गांव पहुंचेगी। इसी प्रकार स्पेशल गाड़ी नंबर 01064 दिनांक 15 जून को मड़गांव से दोपहर 3 बजे प्रस्थान करेगी और 16 जून को रात के 8:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। इन ट्रेनों का स्टॉपेज वर्धा, धामनगांव, बडनेरा, अकोला, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, बेलापुर, अहमदनगर, दौंड, कार्डलाइन, पुणे, सतारा, मीरज, बेलगावी, लोंडा स्टेशनों पर रहेगा। स्पेशल ट्रेनों के लिए विशेष शुल्क पर बुकिंग सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और रेलवे के वेबसाइट पर होगी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने शुक्रवार को 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में गांधीबाग जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। गांधीबाग जोन के अंतर्गत गोलीबार चौक में शाम प्लास्टिक, टिमकी गांधीबाग में रेखा स्वीट मार्ट और जागनाथ रोड महल में गुरु गोविंद सिंह किराना भंडार के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 15,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। यह कार्रवाई उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दरअसल पहले यह कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुरुवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में कुल मिलाकर 433 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जोन में 324 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो कि संतोषजनक है। सीवेज, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट आदि समस्याओं के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए इन नागरिक समस्या समाधान केंद्रों को स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और मानसून की शुरुआत के बाद यह केंद्र 24 घंटे चालू रहेंगे। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 40 शिकायतों में से 27, धर्मपेट जोन में 44 से 28, हनुमान नगर जोन में 192 में से 168, धंतुली जोन में 37 में से 21 तथा नेहरू नगर जोन में 26 में से 20 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से ही हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। इस आशय के विचार डॉक्टर आर आर प्रसाद ने व्यक्त किए। वे वसंतराव देशपांडे हॉल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम द्वारा आयोजित बाजार के माध्यम से धन सृजन विषय पर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भाषण दे रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से इस सम्मेलन को संबोधित किया। देश भर के 75 शहरों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से सभी शहरों से प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इस पहल का उद्देश्य जनता को धन का निवेश और निर्माण करने के लिए शिक्षित करना, प्रोत्साहित करना और सशक्त बनाना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमन ने कहा कि रणनीतिक विनिवेश के जरिए निवेश के अधिक अवसर पैदा कर भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ भी इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। शुक्रवार को सीआरपीएफ के 401 जवानों ने 44 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नागपुर से पास आउट किया। प्रशिक्षण ने उन्हें आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने और तैनाती के विभिन्न क्षेत्रों में बल के मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाया है। इस प्रभावशाली पासिंग आउट परेड समारोह में आईजीपी रणदीप दत्ता ने सलामी ली और उन्होंने परेड की समीक्षा की। डीआईजीपी पीआर जांबुलकर ने अपने स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि और आमंत्रित मान्यवरों का आभार माना। उन्होंने प्रशिक्षुओं के समक्ष आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सीआरपीएफ की भूमिका पर प्रकाश डाला। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को आईजीपी रणदीप दत्ता द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई। ऑलराउंड बेस्ट ट्रॉफी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र के कांस्टेबल राहुल सूरज बड़वाइक को मिली। कांस्टेबल इंगले निखिल कानू ने ड्रिल में, कांस्टेबल सागर रघुनाथ इंगले ने फायरिंग में, कांस्टेबल विशाल बबनगिरे ने हथियार संचालन में, कांस्टेबल अंकुश शंकर राव पवार ने खेल के क्षेत्र में, कांस्टेबल जयराम पांडुरंग जगदाले ने बीओएसी क्षेत्र में, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार रामेश्वर मेंडे ने इंडोर खेलों में ट्रॉफी प्राप्त की। गैलरी में प्रशिक्षुओं के माता पिता तथा परिजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने इस अवसर पर खुशी जताई। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोर्बेवैक्स टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2849 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 30,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 21,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक व प्रमोद तिवारी और भाजपा के घनश्याम तिवारी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इस बीच भाजपा के विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग करते हुए पार्टी द्वारा तय उम्मीदवार के बजाय कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया। पार्टी ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को वोट देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पार्टी नेतृत्व का निर्देश नहीं माना। इस बीच भाजपा विधायक दल के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कुशवाहा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें 7 दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का समय दिया गया है। यदि इस दौरान वे पार्टी के समय स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। कटारिया ने कहा कि पार्टी के निर्णय के विरुद्ध तिवारी को वोट देना अनुशासन का उल्लंघन है। कांग्रेस के विधायक परसराम मोरदिया का वोट खारिज कर दिया गया है। मोरदिया ने कांग्रेस उम्मीदवार मुकुल वासनिक को वोट देते समय मतपत्र पर 1, 2, 3 लिखने के बजाय सही का निशान लगा दिया। मूल रूप से नागपुर निवासी मुकुल वासनिक की इस जीत पर शहर में उनके समर्थकों ने खुशी जताई। हाल ही में पूर्वी अजय टक्का मोरे ने लाइफलाइन ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी बार रक्तदान किया है। रक्तदान के पश्चात डॉक्टर हरीश वर्भे ने उसे पुष्पगुच्छ दिया। इस अवसर पर लाइफलाइन ब्लड बैंक के प्रवीण सातवा ने, अजय टक्का मोरे, डॉक्टर अर्पणा, रुचि गंगवानी व लाइफलाइन का स्टाफ उपस्थित थे। सभी ने पूर्वी टक्का मोरे के इस नेक कार्य की सराहना की।
विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपक्रम साहित्यिक के अंतर्गत कवि सम्मेलन के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिन मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षा माधुरी राउलकर का स्वागत सह संयोजिका हेमलता मिश्रा मानवी ने किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक आदेश जैन ने किया। सम्मेलन में डॉक्टर भोला सरवर, माणिकराव खोबरागड़े, नीलिमा गुप्ता, तन्हा नागपुरी, शादा बंजुम, रूबी दास, पूनम मिश्रा, हफीज शेख नागपुरी, हेमलता मिश्रा मानवी, तजिंदर सिंह, मजीद बेग मुगल, माधुरी राउलकर, मनिंद्र सरकार, भारती रावल, माया शर्मा, मंजू कारे मोरे, डॉक्टर एम के मजुमदार, आदेश जैन, डॉक्टर पवन कोरडे ने पर्यावरण पर एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। सभी साहित्यकारों ने एक एक पेड़ लगाने का प्रण किया। सह संयोजक शादा पंजुम ने सभी का आभार व्यक्त किया। विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल की ओर से 18 व 19 जून को सद्गुरुदेव आचार्य सुधांशु जी महाराज का गुरु पूर्णिमा भक्ति सत्संग कार्यक्रम दिव्य निर्मल धाम आश्रम सुराबर्डी में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कल शाम 5 बजे झूलेलाल मंदिर गांधी सागर के पास एक सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में सभी अनुयायियों से उपस्थित रहने की अपील विश्व जागृति मिशन के दिलीप मुरारका ने की है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र के अकोला से अमरावती के बीच NH-53 राजमार्ग पर 3 जून 2022 को सुबह 7:30 बजे से 7 जून 2022 को शाम 5 बजे तक यानी केवल 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में 75 किलोमीटर सिंगल लेन हाईवे का निर्माण किया गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में विदर्भ टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र प्रेषित कर भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। वीडी के अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू ने कहा कि हमारे देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होना ये प्रत्येक देशवासी और खासकर नागपुर के लोगों के लिए गौरव का क्षण है तथा इस उपलब्धि को हासिल कर हमें गौरवान्वित महसूस कराने के लिए हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार मानते हैं। वीटीए के सचिव तेजिंदर सिंह रेणु ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अथक प्रयासों, मार्गदर्शन व समर्थन के बिना इस उपलब्धि को हासिल करना संभव था। SGR नॉलेज फाउंडेशन नागपुर एवं ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल की ओर से GH रायसोनी यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में मध्य भारत का पहला ऑनलाइन बाल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन शुक्रवार को रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन सुनील रायसोनी की उपस्थिति में मुख्य अतिथि व मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉ. राजन वेलुकर ने किया। इस अवसर पर OCLF की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मृणालिनी नाइक प्रमुख रूप से उपस्थित थी। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर वेलुकर ने अपने मुख्य भाषण में संबोधित करते हुए कहा कि ये बाल साहित्य महोत्सव एक अनूठा मंच है। साहित्य के प्रति बच्चों में रुचि व जिज्ञासा को बढ़ावा देने का आयोजकों का ये सराहनीय प्रयास है। इस अवसर पर सुनील रायसोनी ने कहा, स्टोरी टेलिंग बच्चों की शब्दावली बढ़ाने का एक अद्भुत और प्रभावशाली माध्यम है। ये बच्चों में कहानी की समझ तथा चुनौतीपूर्ण वाक्यों से भी परिचित कराने का सरल व सहज तरीका है। डॉक्टर नाइक ने महोत्सव की रूपरेखा रखते हुए इस बाल संस्करण के विषय में विस्तार से बताया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में पुस्तक वाचन के प्रति रुचि निर्माण करने पर जोर देना है। स्वर्गीय देवकीबाई बंग जूनियर कॉलेज हिंगना के छात्रों ने पिछले कई वर्षों से स्कूल के 100% परिणाम की परंपरा को बनाए रखा। 2021-22 में 12वीं कक्षा के विज्ञान और वाणिज्य के 168 छात्र परीक्षा में बैठे थे। वाणिज्य शाखा में जूनियर कॉलेज से सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रथम पर 83.17% के साथ पूजा बुरहान रही। द्वितीय स्थान पर 82.33% के साथ आर्शिया शेख रही। तृतीय स्थान पर कशिश आश्रनकर ने 81% स्कोर दर्ज किया। विज्ञान शाखा से प्रथम पायल अम्बुले रही, उनका स्कोर 81.50% रहा। द्वितीय स्थान पर खुशहाली लटारे रही, उनका स्कोर 77.17% रहा। आयुष मिश्रा ने 74.83% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी उत्तीर्ण छात्रों को संस्था के अध्यक्ष रमेश चंद्र बंग, संचालक महेश बंग, संचालिका अरुणा बंग और प्रधानाचार्य नितिन तुपेकर ने सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय जूनियर कॉलेज के प्राचार्यों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया। गजानन सेवा संस्था द्वारा संचालित तरोड़ी स्थित प्रियांती इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी मेधावी विद्यार्थियों का स्कूल अध्यक्ष व जिला परिषद सदस्य अवंतिका लेगुरवाले के हस्ते भविष्य की शुभकामनाएं देकर अभिनंदन किया गया। इन विद्यार्थियों में पहला स्थान रुचिता रविन्द्र भोयर, द्वितीय स्थान सौरभ भगवान ठाकरे और तीसरे स्थान मुकेश भोंदूजी हिवरकर ने प्राप्त किया है। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। इस अवसर पर गजानन शिक्षण सेवा संस्था के सचिव रमेश लेगुरवाले, निदेशक किशोर तलमले, प्रिंसिपल नंदा ठाकरे, भोयरताई, हुड़ सर, बांद्रे सर, कुलकर्णी सर, हर्षदा मैडम, राठौड़ सर सहित शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।
हाल ही में संपन्न मुंबई स्थित अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्सटाइल यूथ शोतोकान कराटे फेडरेशन मुंबई के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में नागपुर की रानी दुर्गावती कराटे एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। इन सभी खिलाड़ियों को मुख्य कराटे प्रशिक्षक शिहान सुमित नागदवने से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिला। विजेता खिलाड़ियों में अनुष्का नागदवने ने 2 स्वर्ण, रुचिका हटकर ने 2 स्वर्ण, पूर्वी नागदवने ने 1 रजत, 1 कांस्य, साक्षी राजधर ने 1 स्वर्ण व 1 रजत, आकांक्षा घरडे ने 1 स्वर्ण, प्रज्ञा घरडे ने 1 स्वर्ण पदक हासिल किया है। सभी विजेता खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय मुख्य कराटे प्रशिक्षक सिहान सुमित नागदवने, सीमा नागदवने, रानी दुर्गावती आदिवासी बहुद्देशीय संस्था के अध्यक्ष रोशन मडावी, शिवदास सिराम, उत्तर नागपुर शिवसेना प्रमुख सुनील बैनर्जी को दिया है। माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस श्री महेश नवमी के शुभ अवसर पर माहेश्वरी मंडल कामठी कन्हान एवं माहेश्वरी महिला मंडल कामठी कन्हान के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शनिवार को नागपुर नगर माहेश्वरी सभा द्वारा स्वर्गीय शिवरतन काबरा की स्मृति प्रीत्यर्थ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह नागपुर में आयोजित किया गया। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलब्ध में नई कामठी स्थित गौशाला में वृक्षारोपण किया गया। स्वर्गीय नंदलाल धूत, स्वर्गीय श्याम सुंदर कलंत्री, स्वर्गीय कमला बिहारी लाल गांधी, स्वर्गीय द्वारका घनश्याम दास कलंत्री एवं स्वर्गीय रजनी देवी प्रेम रतन लखोटिया की पुण्यार्थ गो सेवा की गई। विवेकानंद बाल सदन में बच्चों को खाद्य सामग्री तथा खिलौने एवं कामठी उपजिला अस्पताल में मरीजों को फल और बिस्किट वितरित की गई। इसके पश्चात अग्रवाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में नागपुर नगर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष कृष्णा राठी प्रमुख अतिथि थे। प्रमुख वक्ता के रूप में कपिलांश धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड नागपुर के चेयरमैन मुकुंद मोहता तथा विशेष अतिथि एडवोकेट अपर्णा शरद काबरा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष संतोष लखोटिया ने की। वही मंडल के सचिव राजेश मुंद्रा, महिला मंडल की अध्यक्ष अलका रूठिया, सचिव प्रेमा लखोटिया एवं संयोजक रविंद्र कलंत्री मंच पर मौजूद थे। कामठी भाजपा महिला आघाड़ी की ओर से येरखेड़ा में तेलीपुरा स्थित सिंहासन बालाजी मंदिर सभागृह में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर सेवा सुशासन व गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा महिला आघाड़ी जिला महामंत्री शुभांगी गायधने ने दीप प्रज्वलित कर एवं भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाना कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। इस अवसर पर नागपुर जिला प्रसिद्धि प्रमुख सुधा सेलोकर, कामठी तालुका भाजपा महिला आघाड़ी अध्यक्ष व येरखेड़ा ग्राम पंचायत सरपंच मंगला मनीष कारेमोरे, रनाला ग्राम पंचायत सरपंच सुवर्णा प्रशांत साबले, उप सरपंच आरती चेतन कुल्लरकर, वरिष्ठ पदाधिकारी शिल्पा माटे, मंजू कारेमोरे, सुषमा सुदाम राखड़े, सरिता भोयर, वंदना भस्मे, अर्चना सपाटे, मुक्ता कारेमोरे, दुर्गा अच्छेवार, मनीता नाटकर, जयावाड़ी भस्मे आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य किए जाने पर ज्येष्ठ नागरिक राधा भोस्कर, मीना गोखले, हेमकांता काले, नजमा शेख का शॉल, श्रीफल व पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तावित भाषण येरखेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच मंगला कारेमोरे ने दिया व संचालन सुषमा राखड़े ने किया। आभार प्रदर्शन ग्राम पंचायत सदस्य विनीता नाटकर ने किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।